नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। अभी मैं मौजूद हूँ झुंझुनू नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 52 में। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं गणेश सैनी मंदिर संस्थान है, और इस साइड में आप मेरे पीछे देखेंगे तो गणेश मंदिर है। इसे गणेश मंदिर चौक कहा जाता है। आज यहाँ पहुँचने का मुख्य उद्देश्य ये था कि नगर परिषद के वार्ड नंबर 52 में पार्षद का उपचुनाव होने जा रहा है, जो आने वाली 26 तारीख को यहाँ पे पोलिंग होगी। और चार प्रत्याशी कुल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से पहले झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी के जो प्रवक्ता हैं मुरारी सैनी, उनकी धर्मपत्नी नीतू सैनी यहाँ से पार्षद थी। उसके बाद राजस्थान सरकार द्वारा उन्हें उपभोक्ता मंच में नियुक्ति दे दी गई। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। अब यहाँ पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी थी और अब भी चार प्रत्याशी मैदान में हैं। उनमें से हमारे साथ हैं रामकरण सैनी, जो बीजेपी की टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ ही हमारे पास मौजूद हैं बुधराम जी सैनी, पार्षद, जो एक वरिष्ठ नेता भी अपन बीजेपी के कह सकते हैं। तो स्वागत है रामकरण सैनी। अब भी बात करें कि जैसे चुनाव में सबसे पहली बात एक मुद्दा आता है कि आप पब्लिक के बीच जब जा रहे हो तो किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हो, कि क्या आप ऐसा क्या करोगे कि आपको पब्लिक वोट दे। सर्वप्रथम तो मेरे वार्ड के अंदर झुंझुनू शहर के अंदर टूटी हुई सड़कें, गंदी नालियां, बंद पड़ी हुई लाइटें, ये तीन मुख्य समस्याएँ हैं जिनको मेरा हल करने का नहीं पूरा ही समाधान करने का है कि मैं नगर पालिका में जाऊँ। जनता ने मुझे, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये जनता चुनाव लड़ रही है, ये उनकी मांगे हैं जिन्होंने मुझे आगे तैयार करके खड़ा किया है इस स्तर पे। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार आप पर जनता विश्वास करेगी? जनता ने मुझे खड़ा किया है, ये जनता का चुनाव है, न कि मेरा चुनाव है। और जनता ये रिजल्ट आपको 28 तारीख को दिखा देगी, और सभी को पता है कि क्या रिजल्ट आना है, क्योंकि जनता के बीच जो समस्या है उनको हल करने के लिए मुझे चुना गया है। अपन कम शब्दों में अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात अगर वो है, आज अगर किसी भी नगर परिषद के पार्षद से बात की जाए, झुंझुनू की समस्याओं के बारे में बात की जाए और जनता से बात की जाए, तो पब्लिक की एक ही बात आती है कि वोट ले लेते हैं चुनाव जीतने के बाद, अगर उनके पास एक छोटा सा साइन करवाने के लिए भी जाएं तो भी वो लोग नानुकूर करते हैं। तो आपके लिए प्राथमिकता क्या रहेगी अगर आप नगर परिषद के वार्ड नंबर 52 से पार्षद चुनकर नगर परिषद जाते हो, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, सबसे पहले क्या करना चाहोगे? और सर्वप्रथम मैं इन मेरे वार्डवासियों को ऐसी कोई समस्या आने नहीं दूंगा कि जिनको इनकी शिकायत करने का मौका मिले। वार्ड की मांग ये आ रही है कि साफ़ सफाई, टूटी सड़कें, मैं इनको सर्वप्रथम इनको हल करूँगा, और जो लाइटें बंद पड़ी हैं उनको सही करवाया जाएगा, और यही मेरी सर्वप्रथम मांगे हैं। वार्ड नंबर 52 में जो चुनाव होना है उसकी स्थिति स्पष्ट होगी पोलिंग के बाद। आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको बताते हैं किस तरीके से, और जैसा विश्वास हमारे साथ रामकरण सैनी जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उन्होंने अपनी जीत के प्रति पूरी तरह की कैसे आश्वस्त हैं और इन्होंने अपनी प्राथमिकताएँ भी बताई। देखते हैं आने वाले दिनों में नतीजे क्या रहते हैं। धन्यवाद।